बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 22 एंड दिस इज़ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी थ्रू थ्योरी, उसके बाद हम डायग्राम की तरफ आते हैं। Our topic is urinary system of humans, page on page 22। सबसे पहले excretory system of the body is also known as urinary system। दोनों equal हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों को एक ही चीज़ का दर्जा दे सकते हैं। अब urinary system के different parts हैं। A pair of kidney, a pair means दो kidneys हैं। A pair of ureters, दो ureters हैं। A urinary bladder, एक urinary bladder होता है। अ यूरिथ्रा और एक यूरिथ्रा होता है। ये चार चीज़ें मिलकर आपके यूरिनरी सिस्टम बनाती हैं, यानी हमारे ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम्स को बनाते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं डायग्राम को। दिस इज़ योर डायग्राम, ठीक है। दिस इज़ द एब्डोमिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन। दीज आर टू रेड बीन्स किडनी। किडनी से ये येलो कलर की लाइन आपको क्लियरली नज़र आ रही है। दिस इज़ यूरेटर। और मैंने आपको कहा है ना, पेयर ऑफ किडनी है, दो किडनीज हैं। पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, दो यूरेटर्स हैं। एक ये येलो लाइन और एक ये येलो लाइन, दो यूरेटर्स हैं। इसके बाद ये नीचे रेड सा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, पोटली सी, दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। एंड दिस इज़ द स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज़ नोन एज यूरिथ्रा। ये चारों के चारों हम लोगों ने डायग्रामेटिकली देख लिया। अब इनके फंक्शंस देखते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। नाम देख लीजिए, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये तरतीब आपको याद रहनी चाहिए। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ किडनी। इट फिल्टर्स द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। किडनी क्या करता है, हमारे खून को साफ करता है बाय वेस्ट एंड आल्सो प्रोड्यूस अवर यूरिन। देन यूरेटर, येलो कलर की जो दो ट्यूब्स हैं उनको यूरेटर कहते हैं। दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। आपकी किडनी, लेट सपोज दिस इज़ योर डायग्राम, ये किडनी है। यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो इन यूरेटर्स के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपका यूरिन स्टोर होगा। यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन अनटिल इट इज़ रिलीज फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है। नाउ कम्स टू यूरिथ्रा। इट इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरिथ्रा वो जगह है, वो ट्यूब है, वो पॉइंट है जहाँ से बॉडी में से तमाम यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक दफ़ा फिर अपनी डायग्राम को देख लेते हैं। किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन एंड फिल्टर्स द ब्लड। वो यूरिन इन दो येलो ट्यूब्स यूरिथ्रा के ज़रिए आपके नीचे यूरिनरी ब्लैडर, ये जो रेड कलर का पाउच है, इधर जाएगा। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन सारे का सारा स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद ये आगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा, और इस यूरिथ्रा से सारे का सारा यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। दिस इज़ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये मैंने बता दिया यूरिनरी सिस्टम। अब आ जाते हैं किडनी पे। ये जो एक रेड कलर की किडनी है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इसका कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और ये क्या काम करता है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, पेज 22। कलर, किडनी का कलर डार्क रेड कलर का होता है। शेप, बीन शेप्ड ऑर्गन, बीन यानी लोबिया, लोबिये का बीन से शेप का आपकी किडनी होती है। साइज़ क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और थिकनेस यानी मोटाई कितनी है आपके पास, 4 सेंटीमीटर थिक है। वेट एक किडनी का 120 ग्राम है, ठीक है। लोकेशन की तरफ आ जाते हैं। लोकेशन है, इट इज़ अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसकी बैक पे आपकी किडनीज होती हैं। बिलो द डायफ्राम, ऊपर लंग्स है, लंग्स का ये डायफ्राम है, लंग्स के नीचे आपकी किडनी मौजूद है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एक वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड पे, एक वर्टिब्रल कॉलम के राइट साइड पे। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय टू रिब्स, इसके ऊपर से दो पसलियाँ पूरी की पूरी गुजर रही होती हैं ताकि आपकी किडनी जो है वो किसी भी डैमेज से बच सके। लेफ़्ट की के बारे में, किडनी के बारे में जो है वो बताया हुआ है,
कि जो लेफ़्ट किडनी है इट इज़ हायर, ठीक है, हायर है किससे, राइट साइड से। आपके राइट साइड पे जो किडनी है बॉडी के, लेफ़्ट साइड की किडनी उससे थोड़ी सी ऊंची है। ये आपकी बॉडी में जो है वो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है। एज़ यू कैन सी दिस इज़ द किडनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, बीन शेप्ड, आपको लोबिया की शक्ल का एक डार्क रेड कलर की किडनी नज़र आ रही है। अब ये जो सारे अंदर का स्ट्रक्चर है, ये आपको काट कर जो है अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और आपको सब बताया गया है। ये आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, पहले इसके सारे अंदर का एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है डाइग्राम समझाऊँगी। सबसे पहले आ जाते हैं हाइलस की तरफ। हाइलस, HILUS, हाइलस डेफिनेशन, इट इज़ अ कनकेव साइड ऑफ द किडनी, इट फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट हैज़ अ डिप्रेशन ऑन इट। दिस इज़ आवर किडनी, दिस डिप्रेशन, ये दिस कनकेव साइड, ये जो अंदर की तरफ जो है वो जगह गई हुई है, दिस इज़ कनकेव साइड, ये डिप्रेशन जो है इसको, इस जगह को जो है वो हम क्या कहते हैं, हाइलस, HILUS, हाइलस, ठीक है, ये हाइलस है हमारा, ये जगह, ये कनकेव साइड है, ये डिप्रेशन है, इसको हम हाइलस कहते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं, ये वो जगह है जहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे के सारे एंटर भी होती हैं और किडनी के अंदर लीव भी होती हैं, यानी बाहर भी जाती हैं। जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसी जगह से देखें यूरेटर भी बाहर आ रहा है, रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी, रीनल, सॉरी नॉट रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी और रीनल वेज, ये दोनों भी बाहर आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, ब्लड जो है वेसल्स बाहर आ रही हैं, यूरेटर बाहर आ रहा है, इसकी तरह इसके अलावा जो है हमारे पास वेन्स वगैरह, आर्टरीज वगैरह और नर्व्स वगैरह वो भी बाहर आ रही हैं। तो ये इस सारी की जगह को, ये डिप्रेशन को हम क्या कहेंगे, हाइलस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। इफ वी कट अ किडनी, लेट सपोज दिस इज़ अ किडनी, अगर आप इसको लंबे से लंबाई में काटेंगे, जैसे हम आम के जो है वो स्लाइसेस बनाते हैं, तो क्या होता है, दो पार्ट्स आ जाएंगे, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। आउटर पार्ट इज़ कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट, इनर वन इज़ कॉल्ड रीनल मेडुला। आउटर पार्ट डार्क कलर का होता है, जबकि इनर पार्ट पेल रेड कलर, यानी लाइट रेड कलर का होता है। इनर पार्ट के अंदर आगे से दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, रीनल पायरामिड एंड रीनल पेल्विस। अब डायग्राम देख लेते हैं। किडनी को हमने लॉन्गिट्यूडनली काटा है और हमें अंदर से कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आया है माइक्रोस्कोप के नीचे। ये जो बाहर का डार्क रेड कलर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, दिस इज़ रीनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर। इनर पिंकिश सा या लाइट रेड कलर, दिस इज़ रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर मैंने क्या कहा था, दो चीज़ें जो हैं वो भी आपको पढ़ाई हैं, दैट इज़ रीनल पायरामिड, ये वाले जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपके ट्राइंगल से स्ट्रक्चर है, रीनल पायरामिड एंड रीनल पेल्विस। ये आपको येलोइश सा कलर जो है वो अंदर नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ रीनल पेल्विस। रीनल पायरामिड क्या है, मैनी कोन शेप स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि रीनल पेल्विस जो है वो रीनल पायरामिड जो है आगे फनल शेप स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं एट द बेस ऑफ यूरेटर, जिसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको किडनी का स्ट्रक्चर बताया है। अब हमने जो लेक्चर स्टार्ट करने जाना है, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, बेसिकली डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन, 1 million नेफ्रॉन इज़ प्रेजेंट इन ईच किडनी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द किडनी, अगर इस किडनी को लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो हमारे पास मैंने क्या कहा था, रीनल पायरामिड्स, इस तरह के स्ट्रक्चर कोन शेप्ड, और रीनल पेल्विस होगा यहाँ पे इस जगह पे। इस रीनल पायरामिड के अंदर 1 million की तादाद में नेफ्रॉन मौजूद है। अब नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अब मैं आपको बता रही हूँ। दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल टिब्यूल। हर एक को हम डिटेल में देखते हैं। नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट्स, रीनल कॉर्पस्कल, रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल इज़ नॉन टिब्यूलर, यानी ये ट्यूब्स का बना हुआ नहीं होता, जबकि रीनल टिब्यूल नाम बता रहा है, रीनल टिब्यूल मतलब टिब्यूलर। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, रीनल का मतलब है किडनी, ठीक है, रीनल किडनी को कहते हैं। कॉर्पस्कल मीन्स छोटे छोटे गोल से स्ट्रक्चर्स, कॉर्पस्कल जो है वो शेप है बेसिकली, और रीनल टिब्यूल, रीनल यानी किडनी, टिब्यूल यानी किडनी की ट्यूब्स। रीनल कॉर्पस्कल्स में ट्यूब्स नहीं होती, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस नाम ऐसे जो है प्रोनाउंस करते हैं, एंड बोमेंस कैप्स्यूल, जबकि रीनल टिब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड पैपिलरी डक्ट्स जो है वो इंक्लूड हैं।
ये तमाम के तमाम तरतीब से हम लोग पढ़ेंगे और तरतीब में ही याद करेंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फर्दर ऑन इस तरह एक्सप्लेन होता है। सबसे पहले इस पार्ट को यानी रीनल कॉर्पस्कल को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों आ जाते हैं। Renal corpuscle, it is not tubular, it contain of two parts, glomerulus and Bowman capsule. Bowman capsule is a network of capillaries contain afferent and efferent atrioles. ठीक है, ये दो आपकी खून की नालियों के नाम हैं। Bowman capsule is a cup-shaped structure and it encloses glomerulus in it. So this is the structure of nephron, ये for example ये kidney है, इस किडनी के अंदर इस जगह पर जो है वो मैंने आपको बताया रीनल पायरामिड है, और इस रीनल पायरामिड्स के अंदर 1 मिलियंस की तादाद में आपके पास क्या होंगे, नेफ्रॉन्स होंगे, जिसमें से एक नेफ्रॉन इस शेप का है, ये शेप जिसके ऊपर मैं पेंसिल फेर रही हूँ, ये एक नेफ्रॉन है और ये दूसरा नेफ्रॉन है। अब एक नेफ्रॉन को जो है डिटेल्ड व्यू में सामने आपके जो है वो लाया हो गया है। सबसे पहले ये रेड कलर की जो आर्टरीज हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं जिसमें एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल्स मौजूद हैं। दिस रेड पोर्शन इज नोन एज ग्लोमेरुलस, दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को जो ये कप शेप स्ट्रक्चर, ये कप शेप स्ट्रक्चर जो इसको कवर कर रहा है, दिस इज नोन एज बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस को कौन कवर कर रहा है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल ने मिलकर क्या बनाया है, रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल अब हमने पढ़ ली है, अब हमने पढ़ना है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स आफ्टर बोमन कैप्सूल, इट कॉन्टेन फॉलोइंग पार्ट्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड पैपिलरी डक्ट्स। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं और उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फर्स्ट पोर्शन, लूप ऑफ हेनले, यू शेप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज़ द लास्ट पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो हमारी एक सिंगल डक्ट होती है, जबकि पेपिलरी डक्ट्स जो है वो हमारे पास बहुत सारी डक्ट्स ज्वाइन करती हैं और पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं जो कि रीनल पेल्विस में जाती है। अब ये तो हमने वर्बली देख लिया, अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है नेफ्रॉन के अंदर। सो दिस इज़ योर नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। ये तो हमने रीनल कॉर्पस्कल में पढ़ लिया था, बात ख़त्म। अब आ रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल की तरफ। बोमन कैप्सूल के बाद ये जो एरिया है, यहाँ से हमारे कौन सी चीज़ स्टार्ट हो रही है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाती 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 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप बन रही है, दिस इज़ नोन एज लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर ये चीज़, ये देखें, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले दो लिम्ब से बनी हुई है, एक ये वाली जो है ट्यूब और एक ये ट्यूब। एक डिसेंडिंग है जो कि ऊपर से नीचे आ रही है और एक असेंडिंग है जो नीचे से ऊपर जा रही है। ये दोनों ट्यूब्स मिलकर लूप ऑफ हेनले बना रही है। लूप ऑफ हेनले आगे जाकर हमारे पास एक और ट्यूब जो है वो एक्सटेंड करी आगे, जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब प्रॉक्सिमल मीन्स स्टार्ट, डिस्टल मीन एंड, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई, देखें कितनी मुड़ी हुई ट्यूब है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो ट्यूब जो शुरू से मुड़ी हुई है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो एंड पे मुड़ी हुई है। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है आगे से जाकर कलेक्टिंग डक, और कलेक्टिंग डक आगे जाकर यहाँ पर बहुत सारी डक्ट्स आकर मिलती हैं, जिसको पेपिलरी डक्ट्स कहा जाता है, और वो पेपिलरी डक्ट्स यूरिन को तैयार करके यूरेटर के अंदर भेज देती हैं, ठीक है। उसके बाद यूरेटर के बाद जो है वो आपका जो है आगे जो है वो ब्लड प्रोसीड आउट होता जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एक दफ़ा फिर से ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल रीनल कॉर्पस्कल बना रहे हैं, जबकि बाकी तमाम पार्ट्स रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ तक हम लोगों ने आज देख लिया है किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या होता है उसका स्ट्रक्चर जगारा देख लिया है। अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ।
दिस इज़ आवर एक्सरसाइज पेज नंबर 30. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं. व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी, स्टेट द रोल्स ऑफ ईच ऑफ दिस ऑर्गन. क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. ये डायग्राम आज हमने ग्लोमेरुलस और रिबोमन कैप्सूल यानी पूरी की पूरी नेफ्रॉन की पढ़ी है. ये नेफ्रॉन की जो है डायग्राम आपने ये आज आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करना है. अपनी नीट नोटबुक्स पे ये डायग्राम नीट एंड क्लीन बनानी है और ये डायग्राम पूरी की पूरी लेबल्ड आपको मिल जाएगी आराम से आपके पेज नंबर 25 पे. पेज नंबर 25 पे चलते हैं. दिस इज़ योर पेज 25 एंड दिस इज़ द डायग्राम फंक्शनिंग ऑफ किडनी. यहाँ पर ये लेबल्ड हुई हुई है, आपने वहाँ से या यहाँ से बनानी है और इसको यहीं पर लेबल्ड कर लेना है अपनी नीट नोटबुक पर. अब दोबारा एक्सरसाइज पर चलते हैं. एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. शॉर्ट नंबर 1 और 2 आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. 2 भी अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन जो है वो किया हुआ है. हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर बॉडी. ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम ये लिख नहीं सके किसी वजह से. तो ये मैं आपको आज जो है वो इसकी पिक्चर्स आपके जो है वो इसके साथ लेक्चर्स के साथ सेंड कर दूँगी. ये पिछला टॉपिक है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है. इंशाल्लाह आप ये लिख लेंगे आराम से. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ये आज हमने पढ़ा नेफ्रॉन के बारे में. डिस्क्राइब इट स्ट्रक्चर एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम. ये जो आज मैंने पढ़ाया है टॉपिक की भी पिक्चर्स भेजूंगी अपनी बुक से ताकि आप हेडिंग्स बना सकें और अपना जो है वो हाईलाइट कर सकें अपनी बुक को एमसीक्यूज़ के लिए. लेकिन 2 और 3 की आपको इमेजेस भी भेजूंगी, बेशक आप वहाँ से लिख लीजिएगा. और मैं आपको 3 का आंसर एक दफ़ा फिर आज के टॉपिक से बता देती हूँ. दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 23. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है. बीच में जितनी हेडिंग्स हैं जो कुछ है वो आपको मैं सामने आपके जो है वो बता चुकी हूँ. पहले आप नेफ्रॉन की हेडिंग देंगे, डेफिनेशन यहाँ आने के बाद पार्ट्स यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद रीनल कॉर्पस्कल की मेन हेडिंग देंगे, मेन हेडिंग यानी निप कट मार्कर से बड़ी और मेन हेडिंग. उसके बाद आपने बीच में ग्लोमेरुलस की हेडिंग देनी है जो यहाँ ख़त्म हो रही है. उसके बाद बोमन कैप्सूल की जो कि यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं. उसके बाद सेकेंड मेन हेडिंग रीनल टिब्यूल है. मेन हेडिंग आप अपने निप कट मार्कर से बीच में करके देंगे, बड़ी करके थोड़ी. उसके बाद ये उसकी सब हेडिंग्स हैं. रीनल टिब्यूल यहाँ तक लिखने के बाद पहले प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटरी टिब्यूल की हेडिंग है उसकी जो यहाँ ख़त्म हो रही है. और उसके बाद नेक्स्ट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लूप ऑफ एनले. तो इस तरह करते करते यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा. इसके साथ जो डायग्राम है वो इसके नेक्स्ट पेज पर यानी 24 पेज पर आपको मिलेगी. ये नेफ्रॉन की डायग्राम है पेज 24 पे. ये पूरी की पूरी डायग्राम लेबल्ड आपने बनानी है और ये हमारी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल है. इसी तरह जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आज यूरिनरी सिस्टम पेपर में, आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ नेफ्रॉन वाला ही सवाल आएगा. पेपर में आपको यूरिनरी सिस्टम यहाँ से यहाँ तक और इसकी डायग्राम भी आ सकती है. लेकिन आपने ये कॉपी पर नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है. लिखना आपने सिर्फ वही है लॉन्ग 3 अपनी एक्सरसाइज का. इसके अलावा आपके बोर्ड के पेपर में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. आपने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक किडनी का स्ट्रक्चर लिखना होगा और किडनी की ये डायग्राम बनानी होगी. तो मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें किसी भी डायग्राम को आपने बहुत लीनियंट नहीं लेना. कोई भी डायग्राम पेपर में आ सकते हैं और ये पिछले साल के बोर्ड्स में आई हुई हैं. इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बी केयरफुल, आपने ये टॉपिक्स किसी की सूरत में नहीं छोड़ने और ये तैयार करने साथ साथ और डायग्राम्स ख़ास तौर पर. बल्कि बस पिछले कुछ आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर लेकिन उसमें आपको ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. आपने सिर्फ ये डायग्राम बनानी है और वो 2 से 3 नंबर की है. तो अगर किसी ने ये डायग्राम तैयार नहीं की हुई तो वो लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार नहीं कर सकेगा. तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला कॉपी पे लिखना है, बाकी सारे का सारा ये पूरे के पूरे टॉपिक यूरिनरी सिस्टम, किडनी और नेफ्रॉन तैयार करने हैं. अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कर सकते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा. आपकी कॉपी के जो हैं वो इमेजेस और आपको बुक के इमेजेस इंशाल्लाह लेक्चर के साथ मिल जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.